What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 26 मार्च 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:35 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है। आज काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। यूएस ने इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, अभी उसके बाद अब हो सकता है, कल ऐसा न्यूज में कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट भी एक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये लेकिन सिर्फ एक बाउंस बैक आने के पीछे रीजन होगा, लेकिन अभी भी जब तक टेक्निकल सेटअप हमारा अप ट्रेंड का नहीं बनता तब तक यहाँ से कम्प्लीटली बाउंस बैक ये कन्वर्ट होगा अपसाइड मूवमेंट में, ये कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 25 मार्च आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8049 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 7739। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स इन दोनों लेवल्स के बीच में ओपन हुआ। ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने पेनेट्रेट किया, इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट किया यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक हुआ ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 8124 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 8215 ये भी अचीव हुआ। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया, ये लेवल ब्रेक करने के बाद और भी निफ्टी ऊपर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 54,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। कल यूएस मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी, हालांकि बाद में लाल निशान में बंद हुए। नासडैक 33 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल एक वहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला था, जैसे एशियाई बाज़ारों में हमें कल एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी। आज एशियाई बाज़ार देखे तो दबाव देखने को मिल रहा है, जापानीज इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की गिरावट है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी अभी फ्लैट नोट पे एक कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो 32 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक बाउंस बैक है, लेकिन ये क्या कन्वर्ट होगा अपसाइड मूवमेंट में, ये देखना लाजमी होगा। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस को मार्क किया था। प्राइस एक्शन में लोअर लोज बन रहे थे और यहाँ पर अगर आरएसआई में देखे तो हायर बॉटम्स बन रहे थे। तो ये क्लियर कट एक बुल्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसका इंडिकेटर है ये। तो यहाँ से जैसे कि कल हमने बाउंस बैक देखा, तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये जो फॉल आया है इसका टॉप और बॉटम को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया। तो फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है 8600 के आसपास, जहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल बना था, एक बाउंस बैक आया था ज़बरदस्त, इसका लो इसी लेवल के पास आ रहा है। तो 8600 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इसके ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये टॉप और बॉटम को पकड़ के अगर यहाँ से रिट्रेस होता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से बाउंस बैक होने की उम्मीद है। हालांकि कम्प्लीटली अभी सिनेरियो देखे डेली चार्ट में तो डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो ये था एनालिसिस डेली चार्ट का। क्विकली 60 मिनट के चार्ट में चलते, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई ब्रेक करने के बाद अगर देखें तो ऊपर 50 EMA का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और एक पास्ट में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, इसका इनिशियल पॉइंट भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर 8425 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8558, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, और इसके बाद सेकेंड टारगेट यहाँ पर 8648, ये यहाँ पर सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ चला जाता है तो पिवट पॉइंट को ब्रेक करने दीजिए, इसके बाद यहाँ पर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी 8050 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 7948 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।